ओम शांति। 9 अगस्त के ईश्वर नाम सबका स्वागत है। परमात्मा कहते हैं, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भवा। तो ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, ना व्यक्ति के, ना वस्तु के, ना अपने खुद के कमी कमजोरियों के, अपने कमज़ोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव, ना कि दैहिक भाव। दैहिक भाव जब आ जाता है तो हम तुलना में लग जाते हैं, एक दूसरे से तुलना करने के बाद में फिर हमारा अंदर इच्छा होती कि उसके पास जो है मेरे पास भी हो। तो उस कारण से क्या होता है, हमें हमारे अंदर कमजोरियां उत्पन्न होती हैं, लोभ होता है हमारे अंदर, अहंकार होता है हमारे अंदर, घृणा या नफरत होती है हमारे अंदर उत्पन्न होती है, या ईर्ष्या उत्पन्न होती है हमारे अंदर, तो हम दैहिक भाव में आ जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण कहते हैं, अपने कमज़ोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव, स्व के प्रति भाव और के प्रति भाव, अर्थात स्व प्रति और सब के प्रति आत्मिक भाव है, जो तो कमज़ोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। और अनादि आदि, मतलब कि सबसे पहले जब हम थे परमधाम में, अनादि और आदि मतलब हम नीचे उतरे और धरती पर आकर के हमने अपना पार्ट बजाना प्ले करा, अपना रोल अदा करना शुरू किया सत्व में, आदि संस्कारों की स्मृति से कमज़ोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं, कि मैं पवित्र आत्मा थी, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं थी, घृणा नहीं थी, नफरत नहीं था, ना आलस्य था, ना अलबेलापन था, तो मेरे अंदर वो कमी कमजोरियाँ मेरी नहीं हैं, वो मैंने कुछ जन्मों से अपने जीवन में धारण करी हैं, जिसको मैं परमात्मा की शक्ति से निकाल दूंगी। आत्मा एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। कौन सी शक्ति? एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। एकाग्रता कैसे आएगी? जब हम अपने स्वरूप आदि अनादि, जब हम सत्युग में थे देवी देवता जैसे, और अनादि बिना शरीर के निराकार परम धाम में थे, तो हमारा क्या स्वरूप था उस पर अगर हम एकाग्र करें अपनी बुद्धि को, तो ऑटोमेटिकली क्या हमारे अंदर परिवर्तन आएगा और हम अपने मालिक पर, मतलब कंट्रोल में आ जाएंगे अपने स्वभाव संस्कारों के, और किसी भी परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करना है, बिहेव करना है उसके। ओम शांति।